क्या आप चाहते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में मनचाही सफलता के साथ सर्वांगीण विकास? प्रस्तुत है आपके लिए सफलता का एक प्रायोगिक उपाय, स्टूडेंट सक्सेस एनर्जी बॉटल, विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल। आखिर क्या है विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल का अद्भुत रहस्य? ये एक ऐसी ऊर्जावान वाटर बॉटल है जिसके ऊपर लिखे सफलता के लिए जरूरी ऊर्जा के समाधान स्वरूप अलग अलग उपायों के स्वरूप में ऊर्जा को कार्यान्वित किया गया है। ये ऊर्जा बोतल में भरे पानी में प्रवाहित होकर पानी पीने वाले को प्राप्त होती है। पढ़ाई में रुचि विकसित करने के साथ एकाग्रता के बढ़ने में और गुड पर्सनैलिटी का विकास होने के साथ साथ विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल के अनेक संभावित लाभ हैं। विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल की एक विशिष्ट प्रयोग विधि है। इसे उपयोग में लाने से पहले प्रयोग विधि को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अपने विविध प्रयासों से आप विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, जो आप दूसरों को देते हैं वो आपको कई गुना बढ़कर वापस प्राप्त होता है। अर्थात आज जिस ऊर्जा का लाभ आप दूसरों को दिलाएंगे, कल वही ऊर्जा आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होगी। विशेष पूछताछ अथवा जानकारी के लिए हमें फोन करें। जैनिज्म के हिसाब से 24 तीर्थंकर भगवंत की कृपा बरसती रहे और यूनिवर्स का जो एकदम पावरफुल नंबर है ग्रोथ के लिए, वो नंबर है 24। और 24 का आप टोटल करते हो तो नंबर होता है 6, और 6 नंबर जो होता है शुक्र का होता है। शुक्र जब तक बलवान नहीं होगा तब तक आपके पास ऐश्वर्य नहीं आएगा। ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अमाप धन के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़े बड़े बंगले के लिए, कौन कौन लोग फ्लैट में रहते हैं, हाथ ऊपर करो, फ्लैट के अंदर नीचे रख दो, किन किन लोगों का बंगला है वो हाथ ऊपर करो, बंगला हो 3 लोग, और कोई आपका बंगला है, बंगला है, बंगला है, नीचे हाथ रख दो। आज आप सभी को संकल्प करना है, हम सभी लोगों को बंगले में जाना है या तो 3 BHK वाला मकान लेना है। फिर से बोलो क्या करना है, पूछो क्यों, हाँ बस आपड़े आपड़ू विचारीशु। कल्प सूत्र, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। मैं से कितने मुंबई के श्रावकों को जानता हूं कि जिन्होंने एक एक दो दो मकान, एक एक दो दो कमरे ऐसे गुरुदेवों की पावन पधरामणी के लिए रखे गए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इतना कुच्चे जैसा छोटा सा मकान होगा तो कैसे आप गुरुदेव को बस्ती देंगे। कल्पसूत्र ग्रंथ के अंदर बताया कि श्रावक का सद्भाग्य तब ही है, एक रात ऐसे साधु भगवान, ऐसे साध्वी भगवान आपके घर में रहेंगे तो आपके बच्चों के साथ कुछ कनेक्शन बनेगा। मैक्सिमम लोगों के बच्चे आजकल उपाश्रय केंद्र आना बंद कर दिया है। रिवर्स प्रोग्राम, दो ही चीजें, या तो उनको यहां पर सदगुरुओं के पास लेके आइए, और वो नहीं आ रहे तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ी जगह तो चाहिए। अब आप सोचेंगे मेरा एक रूम का घर है बहुत है, 2 बेडरूम तो बहुत है, पर आप गुरु महाराज को लाओगे, रखोगे, जिनवाणी का श्रवण कराओगे, अपने बच्चों से कुछ परिचय कराओगे, तभी प्यार बढ़ेगा, तभी वो जैनत्व को समझेगा। इसीलिए पैसा कमाना है। मेरे कॉन्सेप्ट को बराबर ध्यान से समझ लेना, पैसा क्यों कमाना है, बड़े से बड़े बंगले क्यों होने चाहिए, अष्ट प्रकारी पूजन के अंदर सोने चांदी का सामान। मेरे चंद्रशेखर महाशय गुरुदेव कहते थे कि जब भी पूजा करो तो आपका जो बटवा है हर चीज के अंदर आपने बढ़ोतरी कर दी। पहले में से दूसरे में, टेंथ में, कॉलेज में, सब जगह पे आ गए। रोज कौन कौन लोग पूजा करते, हाथ ऊपर,
बहुत बढ़िया। पूजा हम रोज कर रहे हैं, 5 साल से रोज पूजा कौन कर रहे हैं? 5 साल। नीचे रख दो, मैं आपकी कॉमन पैटर्न बता रहा हूं। मैक्सिमम लोग 5 साल से 10 साल से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछा जाए तो वही चीज, वही बटवा, वही चपटी चोखा, वही एक शक्कर का टुकड़ा और वही एक बादाम। कभी कोई पंचतिथि आ गई या घर में केरी आ गई या कभी मन करा तो एक आध छोटा सा टुकड़ा मिठाई का और एक आध छोटा सा टुकड़ा फल का, इससे आगे कुछ। मैंने ऐसे ऐसे भगतों को देखा है, इतना बड़ा सफरजन लेगा और पूरे सफरजन को सोने से बरक से मर्ड देगा। वो कब करोगे? कब करोगे? या यहां पर कोई व्यक्ति ने किया है? किसी ने नहीं किया, देखा नहीं है। करने की बात तो जाने दो, पुण्य का संयोग होता है तब ऐसी चीजें देखने को मिलती है। हमारे गुरुदेव एक बार सभी सहायक को समझा रहे थे, सहायक लोग जो हमारे साथ क्रिया में आते हैं ना, उसमें 2-4 लोग बोलते हैं क्या सहायक का काम करना, 500,000 रुपया मिलता है। और उन्होंने बहुत लॉजिकल से बताया कि जगत में सबसे बड़ा धर्म कोई है तो सहायक का धर्म। कैसे? ये पूजा कराने वाला तो 25,000-50,000 देकर छूट जाएगा, लेकिन रोज भगवान से सबसे करीब रहना, उत्तम से उत्तम रोज फल फ्रूट भगवान के लिए सजाना, अच्छे फल और फ्रूट को देखना मिल जाए, वो भी आंखों का पुण्य चाहिए। और उससे बड़ी बात, सहायकों के लिए एवरीडे जितने भी दिन पूजन हो उतने दिन गरम गरम माल, मलिदा, मिठाई, फरसाण, खाने का भी सुख सबसे पहले किसको मिलता है? समझ रहे हो? तमा भाई 12 महीना मिठाई मड़े करे, जैसा ही पूजन हो, पूजन खत्म करके जैसे ही नीचे जाओ, आओ सा पधारो सा, भोजन नो लाभ आपसो जा। पुण्य को बढ़ाइए, पत्रिका दिखाओ, अच्छे गुरुओं को पत्रिका दिखा करके एनालिसिस कराइए। सेकंड नंबर के अंदर घर का वास्तु शुद्ध करें, उसका एक चीज मैं आपको आज बता देता हूं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर लिख लो सभी लोग, ईशान कोण के अंदर कभी भी टॉयलेट, बाथरूम या हेवी वेट, जिनको बहुत माइग्रेन रहता है, जिनको मस्तक की बीमारियां रहती है, ईशान कोण में कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर जिनको जीवन में बहुत भारी भरकम टेंशन है, उनको एक काम करना है। देखो, आज आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा, सब लोग टेंशन में आ जाओगे। शत्रुंजय महातीर्थ का फोटो किन किन लोगों के घरों में, हाथ ऊपर करो, नीचे रख दो, लगभग सबके घर में है, उनको कहां पर रखना चाहिए? बोलो, उत्तर दिशा में, ड्राइंग रूम में। बताइए और कोई? पहले तो आज घर जा करके जितने भी घर में फोटो फोटा पूरे घर में लगाए हैं वो निकाल दीजिए। हर दिशा की एक एनर्जी एक होती है, घर में नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट, पूर्व दिशा, ईशान खूना या उत्तर दिशा, आपके घर में जहां पर आ रही है
वहां पर आप अच्छी तरह से एक बढ़िया मंदिर बनाइए और सारी चीजें वहां पर प्रॉपर विधि विधान के साथ स्थापन करें। ड्राइंग रूम में किसी का फोटो नहीं होना चाहिए, किसी का, समझ रहे हो आप। घर में जहां पर भी आपने मंदिर बनाया है वहां पर गुरु का, धर्म का, भक्ति का, मैत्री का, एक जगह के ऊपर वो सारी चीज आप रख दीजिए। और कभी भी साउथ के अलावा, दक्षिण दिशा के अलावा कोई भी दिशा में शत्रुंजय महातीर्थ का फोटो आपको शुभ फल नहीं देता है। पूछो क्यों? मैं जो भी आपको बताऊंगा वो 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोगों के ऊपर जो मैंने रिसर्च किया है, और दूसरे नंबर के अंदर जिनके पूरे घर में, इसने यहाँ पर कोई महाराज साहब का फोटो लगा दिया, यहाँ पर गुरु महाराज का लगा दिया, कोई कैलेंडर लगा दिया, ये फोटो नहीं है, ये जीवित एनर्जी है। आप भगवान की तस्वीर लगा रहे हो मतलब ये साक्षात भगवान है, या तस्वीर मानते हो भाई? पहले भगत से नक्की करो, आप साक्षात शत्रुंजय का फोटो मानते हो तो उनको शत्रुंजय मानते हो या मानते हो ये 50 रुपए की तस्वीर है, क्या मान रहे हो? तो साक्षात भगवान की आसाधना जैसे मंदिर में कर रहे हो और उनके सामने गाली गलौज, नीचा बोलना, कोई भी गलत काम करना, वो वही है जो सारी नेगेटिव एनर्जी। घर के अंदर हमेशा हेवी वेट शत्रुंजय महातीर्थ यानी एक पहाड़ है। क्लियर हो रहा है आप सभी लोगों को? तो हमेशा हेवी वेट साउथ के अलावा कोई भी दिशा में नहीं चलता है। उत्तर में रखोगे तो अच्छी अच्छी चीज आना बंद हो जाएगी, वेस्ट में रखोगे तो ग्रोथ नहीं होगा, पूर्व में आप रखोगे तो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन कट हो जाएगा, हमेशा बोलने लग जाओगे तो हमने बहुत धर्म किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। और कितने सारे हजारों लोग ये ओपनली बोलते हैं कि तूने इतना धर्म किया क्या मिला तुझे, बोलते हैं सब लोग। हम सही को जानते नहीं है और दुकानों में से लेकर आकर के रख देते हैं। तो आज आपको घर में जाकर के शानदार, बड़ा छोटा जैसा भी आपको अच्छा लगे, वास्तु शास्त्र के हिसाब से मंदिर में इतना सुकून क्यों मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने रूल्स को फॉलो किया है। कोई भी आपको मंदिर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, वहां मंदिर में तो वहां तक बात बताई है कि भगवान की दृष्टि भी बाहर निकलनी चाहिए। तो घर के मंदिर को, नियम को जानिए। साउथ के अंदर दक्षिण दिशा में शत्रुंजय का फोटो रखना है, उत्तर में, पूर्व में या ईशान में बढ़िया सा आपको मंदिर बनाना है, और जितनी कम हो सके या तो जितनी चीज आप ला रहे हो उनकी 15 दिन में, महीने में एक बार छोटी सी पूजा पाठ जाप आराधना साधना करनी है। आइए गाथा नंबर 18। तीन चीजें, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और उसके ऊपर भी बात आती है जबरदस्त कोटि का कर्म, पुण्य का काम है आपके सामने 32 रात के भगवान को हाजिर करना, लेकिन उसको खाने के लिए हाथ तो मुझे भी यहां से कोला लेना पड़ेगा और मुंह तक रखना पड़ेगा। कर्म पुरुषार्थ, एक समय के अंदर ऐसा बताया गया है कि 1 मिनट के अंदर ऑल ओवर भारत के अंदर सैकड़ों बच्चे जन्म लेते हैं। कोई नरेंद्र मोदी बनता है, कोई नरेंद्र नाम का दूध वाला बनता है, कोई नरेंद्र नाम के थर्ड व्यक्ति बनता है। जितना ज्यादा प्रारब्ध पुरुषार्थ पुण्य के साथ आप करते हो अवश्य में वो आपको सिद्धि मिल जाती है। गाथा नंबर 18, खास 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 मम्मियों को एक करनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे बच्चे इतने सारे सवाल पूछते धर्म के लिए, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, हमको पता नहीं होने के कारण हम चुप हो जाते हैं और हम
हमारे मन में भी लगभग 99% लोगों तो मुझे आप लोगों ने समर्पित कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा? आपको कल का मैं चमत्कार बताऊंगा, आपकी जमीन के नीचे से पैर के नीचे जमीन मिल जाएगी। संकल्प की क्या ताकत है? कल गुरुवार था, आप सभी लोगों ने संकल्प किया होगा, मैंने भी संकल्प किया कि मैं इतना दिल से ये 13 दिन की शिविर करा रहा हूँ, प्रभु यदि मैं सच्चे मन से करा रहा हूँ तो इसका व्याप्त पूरे विश्व पे फैलना चाहिए और नए नए लोग जुड़ने चाहिए। कल एक व्यक्ति का फोन आता है और सामने से विनंती करता है, गुरुजी आप बम्बई आइए, 13 दिन की सारी शिविर का जितना भी खर्चा हो करने के लिए मैं तैयार हूँ। कल की प्रार्थना, कल 1 बजे हम लोगों ने प्रार्थना की और रात को करीबन 6 से 7 बजे जितना भी खर्चा होगा, मैंने उनको यही बोला कि आकाश में बोल दीजिए भगवान को, जगह भी मिल जाएगी और सारी व्यवस्था भी हो जाएगी। आखिरी बात, यहाँ पर हमारे अंबाजी के भी बेटे हैं, इनकी भी भावना है बहुत जल्दी वैशाख महीने के अंदर अंबाजी के अंदर भी इनकी भावधारा से 1 दिन का शिविर वो पूरी तरह से आयोजन करने वाले। लंदन से कौन आए? लंदन से, लंदन वाले आज नहीं आए हैं, 2 दिन से वो बेन आ रहे हैं और कल ही उन्होंने हमारे स्टाफ को बोला है, गुरुदेव आगामी हमारी शिविर बहुत जल्दी, उनकी बेटी लंदन के अंदर रहती है, गुरुजी सारी तैयारियां कीजिए, जितना भी खर्चा होगा मैं मेरी ओर से देने के लिए तैयार हूँ। लंदन के सारे लोगों को हम जल्दी से जल्दी इस भक्ति की भावधारा में जोड़ना चाहते हैं। ये इजी हो रहा है, किसी को बुला के पर्सनल मीटिंग टॉक करके जो आयोजन करे तो हजारों जगह पे हो जाए। गाथा नंबर 18 हाथ ऐसे रखिए, गाथा नंबर 18, व्यर्थ के संकल्प विकल्प, ऐसा होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ऐसे बिना काम के हजारों सवाल को निकाल दो,